संस्कृत नित्यम वदामि संस्कृत सदा ध्यायामि संस्कृत सम्यक वंदे संस्कृत मातर छात्र अद्य संस्कृत विषय प्रथम पुरुष एक वचन प्रथम पुरुषः एक वचनम संस्कृत में तीन पुरुष और तीन वचन होते हैं पुरुष कौन कौन से होते हैं प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष प्रथम पुरुष यानी कि थर्ड पर्सन उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन इस पाठ में हम प्रथम पुरुष एक वचन के बारे में पढ़ेंगे उससे पहले हम देखें कि प्रथम पुरुष तीनों लिंगों में उसके कैसे रूप बनते हैं पुल्लिंग के लिए सह तौ, ते स्त्रीलिंग के लिए सा ते ताह नपुंसकलिंग के लिए तत, ते, तानी। तो आपको ये याद रखना है कि प्रथम पुरुष में पुणलिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में तीनों वचन के रूप अलग अलग होते हैं आज हम पढ़ेंगे प्रथम पुरुष के बारे में यानी कि सह सा तत् प्रथम पुरुष प्रथम पुरुष एक वचन एष सूर्यः सूर्य तपति अयम उदेती इसका अनुवाद एश मतलब यह।, यह कौन है यह सूर्य सूर्य तपति तपती मतलब तपता है हीट देता है सूर्य तपता है अयम अयम यह यह उदय होता है ऐसा का सा अजा अजा चरती इम धावती ऐसा मतलब यह स्त्रीलिंग के लिए ऐशा ऐसा का यह कौन है सा अजा वह बकरी है सा मतलब वह अजा बकरी अजा चरती बकरी चरती है इम धावती इम यानी कि यह धावती दौड़ती है यह दौड़ती है लिंग बदलने पर क्रिया का रूप नहीं बदलता एस कह सह वान एश कुर्दती अयम खादती एश पुल्लिंग के लिए और जब प्रश्न पूछते हैं पुल्लिंग के लिए तो कह स्त्रीलिंग में का और पुर्लिंग के लिए कह एश कह यह कौन है सह वानर है सह मतलब वह वह बंदर है कूदती यह कूदता है अयम खादती, यह खाता है एशा का एशा नर्तकी सा नृत्य इम गायती ऐसा स्त्रीलिंग शब्दों के लिए ऐशा मींस यह यह कौन है एशा नर्तकी यह नाचने वाली है डांसर है सा नृत्यती वह नाचती है इम गायती यह गाती है पहले हमने देखा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के रूप अब है यह यह एक बगीचा है बगीचे को संस्कृत में उद्यानम कहते हैं क्या लिखा है यहां पर तत्म किम, किम। यहां पर जब नपुंसकलिंग में प्रश्न पूछ रहे हैं तो हमें लिखना है किम कह का किम तत् किम तत मतलब वह वह क्या है एतत उद्यानम यह बगीचा है तत्पत्र वह पत्ता है पत्र पत्ता फल पतति फल गिरता है विकसति फूल खिलता है वृक्ष हरितः अस्ति पेड़ हरा है अस्ति मतलब है इदम उद्यानम सुंदरम अस्ति यह बगीचा सुंदर है अब है अभ्यास कार्य मंजू शामे से उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थान भरिए फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स बॉक्स में बहुत सारे शब्द दिए हैं उससे हमें सही शब्द चुनकर लिखना है शब्द दिए हमें पीबती रक्षती फलाम, चलती भवती सरिता तो पहला दिया है हमें वायुयानम वायुयानम मतलब एरोप्लेन तो एरोप्लेन क्या करेगा चलती वायुयानम चलती दूसरा है वहती क्या बहती है सरिता सरिता का मतलब है नदी नदी बहती है निशा निशा भवती निशा मतलब रात्रि निशा का मतलब है रात्रि भवती मतलब होती है होता है तो रात्रि होती है सह खादती वह क्या खाता है फलम सह मतलब वह सह फलम खादती वह फल खाता है बाल दुग्धम बच्चा दूध पीता है तो पीता है ये क्रिया है इसका अर्थ है पीबती बाल दुग्धम पीबती रक्षती सैनिक रक्षा करता है प्रश्न नंबर दो यहां पर चित्र दिया हुआ है चित्र को देखकर हमें उत्तर लिखना है पहला है एश कह यह कौन है तो एश बालक यह बालक है सह वह क्या कर रहा है सह पीबती वह पीता है चलती, चलती यह चलता है हम यहाँ पर एश भी लिख सकते हैं सह भी लिख सकते हैं वह चलता है या यह चलता है अब है दूसरा एशा का यह स्त्रीलिंग शब्द है एशा का यह क्या है एशा द्विचक्रिका द्विचक्रिका मतलब बाइसाइकल साइकिल है यह एशा चलती वह चलती है सा धावती वह दौड़ती है चलती है मतलब चलता है या चलती है धावती दौड़ती है या दौड़ता है प्रश्न नंबर तीन निम्न शब्दान उचितार्थे सहमिलित यानी कि इन शब्दों का हमें उचित अर्थों से मिलान करना है चलती चलती मतलब चलती है नमती नमस्कार करती है, रक्षती रक्षा करता है यच्छति देती है विकसती खिलता है पतती गिरता है प्रश्न नंबर चार प्रश्न निर्माणम कुरुत अब हमें यहां पर प्रश्न बनाना है कह का किम लगाकर अगर बच्चों स्त्रीलिंग शब्द होगा तो आपको लिखना है का पुल्लिंग शब्द होगा तो लिखना है कह और नपुंसकलिंग शब्द होगा तो आपको लिखना है किम अब बताइए पहले में है लता खादती तो लता शब्द है स्त्रीलिंग तो का खादती क्या आएगा का कौन खाता है तो हमने देखा कि यहाँ स्त्रीलिंग शब्द है तो प्रश्न निर्माण करते समय भी हमें स्त्रीलिंग शब्द का ही प्रयोग करना है दूसरा है बाल कह खेलती बालक खेलता है तो बालकह है पुल्लिंग शब्द तो हमें कह का, का रूप क्या लिखना है कह खेलती बाल कह विसर्ग वाला शब्द है तो आपको भी विसर्ग वाला शब्द लिखना है रेल यानम चलती रेल यानम यह शब्द है नपुंसकलिंग तो हमें लिखना है किम किम चलती क्या चलता है क्या चलती है कमलम विकसति कमल खिलता है तो कमलम शब्द भी नपुंसकलिंग है तो क्या आएगा किम किम विकसति क्या खिलता है सोमांश पठती सोमांश पुलिंग शब्द है तो क्या आएगा कह पठती कौन पढ़ता है माता पचती माता शब्द स्त्रीलिंग है तो क्या आएगा का माता पचती तो इसका होगा का पचती कौन पकाता है कौन खाना बनाता है तो बच्चों आपको ये पाठ समझ में आ गया अब आपको इसको कंप्लीट करना है